और ये रहा काटा, इसी के पास लगाना है, आगे जाकर बैक करेंगे। सामने सिग्नल जो दिख रहा है वो एक साइड मुड़ता है, दिख ही नहीं रहा होगा, लाइट उधर से काफी जल रहा है। सीढ़ी का खाना। हेलो गाइस, वेलकम बैक करते हैं अपने नए ब्लॉग में। और हम हैं अभी कंपनी में और गाड़ी अपना लोड हो रहा है, और लोड हो रहा है मतलब लोडिंग पॉइंट से जाकर दिखा नहीं सकते हैं। और मतलब अभी सुबह सुबह कल का होगा, पेंडिंग वेंडिंग पड़ा हुआ प्रोग्राम तो दे दिया, और जगह का भी पता नहीं जब कहाँ का लोड हो रहा है नहीं हो रहा, सिर्फ डीओ दे दिया है, लोड हो रहा है। अभी बज रहा है 8 बजने ही वाला है और लोडिंग दे रहा है। मतलब सवेरे लोड हो जाने से एक सुविधा रहता है, जो अगर रात में नहीं सोए हैं कहीं, मतलब कहीं टिप करने गए हैं रात में नहीं सो पाए तो अभी से सोने का टाइम मिल जाए, क्योंकि 10 बजे 11 बजे के बाद देता है तो डीओ का इंतजार करते करते सो भी नहीं पाइएगा ढंग से, और फिर डीओ मिलेगा तो लोडिंग में लगाओ, बहुत झमेला। सवेरे हो जाता है तो ठीक रहता है, थोड़ा टाइम मिल जाता है। और देखिए कहाँ का होता है वो मालूम नहीं है, पर डीओ मिला लोड हो रहा है। और मौसम बाहर समझ नहीं आ रहा है, कभी धूपा कर रहा है कभी बारिश की तरह कर रहा है। और अभी आए थे तो गाड़ी उड़ी भी मतलब सही नहीं किए थे, वैसे कपड़ा उपड़ा सब देख रहे हैं, बैग इधर, लेबर लोग अपना बैठता है तो अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर देता है, उठा कर इधर फेंक देगा, जैसे तैसे करके चल जाता है। ये तो काफ़ी गंदा हो गया, इसको साफ करना होगा। साफ करने का एक ही उपाय है, सरफ वाले कपड़ा से धोना होगा इसको, और ये खुलने वाला तो सिस्टम इसमें है नहीं, काला काला ज़्यादा हो गया है देख रहे हैं। सो गाइस, लोड हो चुका है गाड़ी, और गाड़ी लेकर निकल गए हैं काटा के पास लगाएंगे। कंपनी में काटा जो होता है ना, वही वहाँ पे लगाने का जगह रहता है, और पिछला वीडियो अगर देखे होंगे तो मालूम चलिए गया होगा। और यहाँ से लेफ्ट लेने के बाद यहाँ कोना पे कभी कभी होता है, देखिए गाड़ी घुराना पड़ेगा, बोले ना ये लगा हुआ है, बलकर गाड़ी ठो लग जाता है तो फिर परेशानी हो जाता है, अब बैक करना होगा, उसके बाद गाड़ी उधर से ले जाना होगा। और घुरा लिए, इधर ही लोड होता है, देख लिया, दिखा दिए, नहीं दिखाते थे, इसी तरह से लोड होता है। और ये रहा काटा, इसी के पास लगाना है, आगे जाकर बैक करेंगे, इधर देख रहे हैं, इधर से जाएगा इसे, अब करना है बैक। और अभी का ड्यूटी समाप्त, अब ड्यूटी स्टार्ट होगा रात 9 बजे से। कहाँ चला जाता है यार, ये खोलने वाला का सिस्टम देख रहे हैं इसको, अभी कहीं था रखा हुआ, मिलिए नहीं रहा है, जुगाड़ करके खोलना पड़ता है। और गाड़ी अपना बिल्कुल लग चुकी है, पीछे वो RJ नंबर, राजस्थान नंबर गाड़ी, पाउडर लेकर आता है पता नहीं, बहुत गाड़ी आती है महीना, मतलब कम से कम 10-11 गाड़ी RJ नंबर यहाँ चली जाती है। और चल रहे हैं नाश्ता करने, क्योंकि नाश्ता का भी टाइम हो ही गया है, 9 बजे जाएगा थोड़ा देर में, गाड़ी लोड हो रहा था ना इसलिए हम नहीं गए, देखे एक ही बार साइड उड करके उसके बाद बिंदास फ्री होकर जाएंगे, झूठ मूठ के जाओ फिर आकर लगाओ हटाओ, इसे झमेला नहीं चाहिए।
तो फाइनली का जो अभी बज चुका है, मतलब डेढ़ बज गया, दोपहर का डेढ़ बज रहा है और सो गए थे, नाश्ता करके आए थे तो सो गए थे और अभी चल रहे हैं खाना खाने, क्योंकि डेढ़ बज गया है और खोलने वाला जुगाड़े रहा, इसको ऐसे लगा, ऐसे खजाना है, खोलो और चल रहे खाना खाने। होटल में आज खाना खाने नहीं जाएंगे, आज मेस का स्लिप लिए थे, जब मेस में कंपनी खाना खिलाता है ना उसी का स्लिप लिए थे, क्योंकि आज हमको सोना था और सो भी लिए, आगे नींद काफ़ी ज़्यादा आ रहा था इसलिए। और इधर का गेट भी खुला है, ये बढ़िया बात नहीं, लगाएंगे और चल रहे हैं खाना खाने। और यही रहा अपना खाना, फिरी का खाना, दाल भात सब्जी, इक्याची का चटनी, मिर्चा दिया है और खाते हैं उसके बाद मिलता है। अपना खाना पीना हो चुका है और जो भी था खाना मोटा मोटी बहुत बढ़िया ही था, और भूख लगने पर खाना अच्छा भी लगता है। और लेट हो गया था, एक बज गया था टाइम, मतलब फ्री है खाना का चाहिए, जो दे रहा है कंपनी बढ़िया ही दे रहा है, यहाँ तो मतलब लेबर उबर लोग पर डे खाता ही है और ड्राइवर लोग भी खाता है, पर कम खाता है ड्राइवर लोग, कभी रहता है कभी नहीं रहता है, कभी मतलब बीच बीच में, तो हम खुद ही महीना में 3 से 4 बार लेते हैं, जब मतलब ज़रूरी रहा तब। अभी सोने के चक्कर में ले लीजिए, सवेरे गाड़ी लोड हो गया है, सिर्फ ले लेते हैं, यहीं उठेंगे खाना खा लेंगे जाके, इसलिए ना तो दोपहर में लोडिंग वोडिंग का झमेला रहता है तो नहीं लेते हैं। थोड़ा दूरी पड़ता है, ऑटो से जाना पड़ता है होटल में, पर वहाँ खाना भी थोड़ा इससे बेटर रहता है, पर फ्री या पैसा वाला में तो यही तो मैटर होता है ना। सुबह अभी रात का बज रहा है 6 और 6 बजे रात हो जाता है, और मतलब कंपनी में नाश्ता करके कंपनी में घुसे थे 11 बजे, जैसे 7 बजे तो अपना गाड़ी लेकर आए और 11 बजे कंपनी में ढूके थे, और नाश्ता करके जब से आए तब से उसके बाद नाश्ता किए, सो गए, सो कर उठे एक बार 1 बजे फिर खाना खा कर आए सो गए। मतलब सोने के अलावा आज दिन में कुछ हुआ नहीं है, वीडियो वीडियो एडिट करना था वो भी नहीं किए, पर नींद काफ़ी तगड़ा आ रहा था, सो भी लिया, आज रात को टेंशन नहीं है, बिंदास चलेंगे। और कहाँ का हुआ वो भी मालूम नहीं करने का है, जस्ट अभी सो को उठे ही है और उठे हैं, थोड़ा वीडियो वीडियो एडिट किए हैं, क्योंकि कल वाले वीडियो आज जाना था तो आज तो गया नहीं, वीडियो एडिट ही नहीं कर पाए, मोबाइल चला रहा था नींद आ रहा था, छोड़ दिए, क्योंकि नींद में वीडियो एडिट करना आसान बात थोड़ी है, उसे छोड़ दिए और एडिट करके अभी अपलोड करेंगे। 8 बजे तक जाएगा एक वीडियो मेरा, लेट जाएगा 8 बजे रात में जाएगा, और चलते हैं पता करते हैं और देखते हैं कहाँ कहाँ है किधर कहाँ है, और बाहर चल के थोड़ा चाय पियेंगे, क्योंकि सुबह से कंपनी से एक बार ही नहीं निकले। चलिए ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए, और यहाँ से अपना जर्नी करता है कंटिन्यू, और इलगिस रोड बोला है, और एक साइड मोड़ है ना कोलकाता, एक साइड मोड़ से दाहिने जाकर बाएं पार्टी है, बाएं में पार्टी है शायद, इलगिस रोड तो वहीं पे बताया है, चल रहे हैं दिखाएंगे पार्टी के यहाँ पहुँच के, उससे पहले भी मिल सकते हैं, अच्छा लोकेशन मिला तो। और बिल्कुल लाइन लग चुका है, हमको थोड़ा देर लेट हो गया, अब उधर पार्किंग से भी गाड़ी निकलने लगा, जो बगल से दिख रहा होगा उस साइड में, अभी वो पता नहीं पार्किंग में कितना गाड़ी, आज थोड़ा गाड़ी लोड हुआ था, 20-25 को लोड हुआ था गाड़ी, और एक गाड़ी उधर से निकला और कब तक नंबर में पहुंच, मतलब कि सबका वहाँ साइन, ड्राइवर का साइन होता है वहाँ पे, पेपर चेक कर गया, मतलब पेपर बोले तो ये गाड़ी का जो चालान गेट पर जाता है पहले, उसके बाद मिलता है ड्राइवर का, चालान चेक करेगा, इनवॉइस चेक करेगा, उसके बाद कंपनी छोड़ता है, यही तो अपना सेफ्टी के लिए छोड़ता है, ऐसे ही छोड़ना ही चाहिए, कागज में कोई फ्रॉड नहीं होता चालान में, पूरा सेफ्टी से एकदम देख के बढ़िया से उसके बाद छोड़ता है, और लगे हुए लाइन में चलेंगे। सुबह हम बिस्सीपुर पंप पहुंच चुके हैं और यहाँ पे तेल ले रहे हैं, इंडियन ऑयल पंप,
और 4000 का तेल लेना है, टंकी खुला भी नहीं, खुला हुआ। और आज है 92.9 रुपए लीटर। ये गाड़ी के मेरा साथी का माल है, एक ही जगह का। सो गाइस, अपना सफर पहुंचा अंदूल रोड पर और चल रहे हैं। मतलब इसमें तो जाम पर डे ही लगा ही रहता है, कभी छुटकारा नहीं होता जाम से। पूरा मतलब सिंगल रास्ता है, मार्केट एरिया है, पूरा मार्केट है। अभी भी दुकान वकान पूरा खुला हुआ है, 11 बजने ही वाला है। और एक और आगे गाड़ी ब्लॉक गाड़ी ही है, इसका कहीं और का माल है। एक और गाड़ी मेरे साथ है, वो साथ का माल है, दो गाड़ी का मेरा और एक और 5161। और शायद एक और गाड़ी आगे है, ब्लॉक का ही है, 3 वो गाड़ी। देखिए कब तक पार लगता है नया ब्रिज, जब तक नहीं पहुंचेंगे तब तक ऐसे ही परेशानी। देख रहे दुकान वकान मार्केट अभी तक चालू ही है इधर। सो गाइस, हम एक साइड मोड़ पहुंचने वाले हैं और उधर से लेना राइट अपने को। राइट लेके फर्स्ट सिग्नल से पार्टी बोला है, बाएं चल रहे हैं। सामने सिग्नल जो दिख रहा है वो एक साइड मोड़ का है, दिख ही नहीं रहा होगा, लाइट उधर से काफी जल रहा है। यहाँ से 100 मीटर आगे से राइट जाना है। जाम तो मतलब क्या बोले, आलमपुर से लेके यहाँ तक ऐसा ही चलते आया। सिर्फ नया ब्रिज थोड़ा सा फाँका था और चल रहे हैं 10 सेकंड के लिए मात्र में सिग्नल देता है। सुबह से अपना गाड़ी कंपनी में पहुंच चुका है साइड पे। और एरा प्रोजेक्ट कितना बड़ा है और एक तापसदा का गाड़ी उधर लगा हुआ है। आपका है ना, आप बहुत टानते हैं ना, पूरा आता है डुक 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 करते हैं, साथ में चल जाते हैं। का खूबी है, कुछ तो खूबी होगा ना। धीरे धीरे चलाते हैं, पहुंचते हैं साथ में, ऐसा कहा है। और अपना गाड़ी खाली होना स्टार्ट हो चुका है, दिखा रहे हैं। एक लाइन कट गया है, और चल रहे हैं गुरु सोने। 11 घंटा सोएंगे, उसके बाद 1 घंटा में तो खाली कर देता है। और वो गाड़ी भी खाली हो ही जाएगा, वो तो 2 लाइन कट गया, वो तो मेरे से पहले हो जाएगा। और उसका लेबर मेरे ही साथ जाएगा आज, क्योंकि वो गाड़ी कहीं रुकेगी, उसका काम होगा बनवाना होगा या कहीं से लोडिंग ले रहा होगा उससे। हमको तो मतलब नहीं है भाई, हम सिर्फ बोला है ले जाएंगे और एक साथ चलता है। तो भाई कभी मेरे हमको काम लगता है, कभी उसको काम लगता है। तो लेबर को बैठा कर ले जाने से होता है कंपनी में काज, वो गाड़ी वाला का मतलब लेबर का खर्चा देना नहीं पड़ जाएगा, नहीं तो बस का किराया देना पड़ेगा। तो साथ में ही गाड़ी जाता आता है, तो गाड़ी अगर यहाँ मिला अगर हम साथ में आज नहीं आते तो रानी हट्टी में सब रुकता है, चाय ऊ पिलाता है लेबर उबर का, ऐसा सिस्टम है ये कंपनी का बनाया हुआ। चाय ऊ पिलाना पड़ता है ड्राइवर को, तो वहाँ पे रुक जाता है थोड़ा देर, तो वहाँ गाड़ी कोई ना कोई आ ही जाता है। और सबको जाना है एक ही कंपनी में, जो जो वहाँ रुकता है मतलब गाड़ी ब्लॉक गाड़ी। और चलिए कंटिन्यू बने रहिए ब्लॉग में, बताते हैं आगे का नज़ारा। सो गाइस, अभी 1:35 हो रहा है और अपना गाड़ी खाली हो चुका है और टाइम से पहुंचा भी दिए थे, 11:30 गाड़ी पहुंचा दिए थे। और एक ये भी गाड़ी खाली हो गया है उधर मान लो, और अपना डाला लग रहा है गाड़ी के, उसके बाद निकलेंगे। और भाई बत्ता लगा देना दो, हाँ बत्ता लगाना होगा, बत्ता हम खुल कर नहीं जाता है, बत्ता बस एक लाइन बांध दो उसको लगा, रट देना होगा का खींचोगा उसको रट ला, नहीं लेगा बिना रट के, रट लाना पड़ेगा उसके बाद लगेगा थोड़ा सा। मतलब ये है
हल्का सा चार मतलब कि रेड से खींचने के बाद लग जाता है, बॉडी थोड़ी फैला हुआ। पकड़ के चढ़ना, इसको रस्सी को थोड़ा नीचा करके बांध दीजिएगा। और उधर माल गिनती करवा रहा है वो लोग, स्लिप लेंगे मतलब रिसीविंग, देख रहा फेंक दिया, रिसीविंग लेंगे और चलेंगे। और सोने गए थे, मोबाइल उबाइल थोड़ा देर चलाए, सोए कहाँ, उसके बाद खाली हो गया। सुगाज हम पहुंच गए एक साइड मोड़, और यहाँ पे तो 10 सेकंड के लिए सिग्नल लेता है, उसके बाद खत्म। और इधर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और सिग्नल का इंतजार है। इधर से जाएंगे हम लेफ्ट, और इंडिकेटर दिया हुआ है, अपना सिग्नल अब होने वाला है। और वीडियो यहाँ से करते हैं स्टॉप। गाइस हम पहुंच चुके हैं अभी अंकुर हट्टी, सिग्नल पार किए हैं और बढ़ रहे हैं झूलागढ़ के तरफ। और रानी हट्टी में रोक कर थोड़ा चाय पियेंगे, क्योंकि नींद आ रहा है। और जब सोने का टाइम था उस समय नींद नहीं आया, अभी नींद आ रहा है। सुबह का टाइम में ऐसे तीन चार बजे ऐसे भी नींद आता ही है, और उस समय नींद नहीं आया। और गाड़ी चलाने में थोड़ा ज़्यादा ही नींद आता है। चल रहा है कंटिन्यू, अभी थोड़ा सन्नाटा टाइप का दिख रहा है। रात में दिन से थोड़ा और ज्यादा ही चलने लगता है गाड़ी, पर रात में ही होता है, ट्रैफिक व्राफिक में होता है, सिग्नल उंगल तो मालूम नहीं चलता है, गाड़ी चलते जा रहा। और दिन में क्या होता है, छोटा छोटा गाड़ी इधर उधर खड़ा रहेगा, कहीं सिग्नल है कहीं कुछ है, ये सब के लेके तो थोड़ा जाम टाइप का लगता है। तो रात में भी तो उतना ही गाड़ी चलता है, ज़्यादातर करके तो ट्रक दिन में साइडे रहता है, रात ही में चलता है। और दिन में तो चलता भी है तो हाईवे में चलता है, अगर सिटी वाला एरिया होगा चाहे मतलब लोकल मार्ग, जैसे कि लोकल एरिया हुआ जिसमें मतलब कि रास्ता मतलब थोड़ा ही है, सिंगल है पर नो एंट्री में है, उस सब में भी तो नहीं जाना चाहता, बोलता रात में जाएगा। अभी चलिए रहा, अभी बिल्कुल मीटर अपना अनहार है, एक भी नहीं चलता है, सिर्फ खाली फ्यूल वाला बताता है और एयर वाला बताता है, दोनों का लाइट उड़ा फ्यूज उड़ा हुआ है। सो गाइस हम रानी हट्टी पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे गाड़ी लगा हुआ है मेन रोड पे। अब पुलिस वाला आके झमेला करेगा, चाय पीना हो जाएगा अपने, और ये रहा दुकान, चाय दुकान पी लिया। तू लोग यहीं रहेगा ना, आप लोग यहीं रहेगा, तीन ठो कमा है गाड़ी में, बहुत पब्लिक हो गया था। सुबह से मुलगड़िया पार कर रहे हैं, और चाय पी के वहां से निकल गए थे, थोड़ा जल्दी ही निकल गए क्योंकि रोड पे गाड़ी पूरा लगा हुआ था, एक लाइन पूरा ब्लॉक किया हुआ था, इसलिए थोड़ा वहां से जल्दी निकल गए, रुके नहीं। सो गाइस हम कंपनी पहुंच चुके हैं, और यहाँ से कंपनी में इंटर हुआ, गेट खुलेगा तो हो सकता है सोए हुए होंगे, और ये लोग जा रहा है लेबर लोग। देख किसका झूठा है, मेरा है, हमारा है, जा जा मेरा है, गेट लगा दीजिए। और एंट्री हो रहा है पार्किंग में, पार्किंग थोड़ा फाका ही होगा अभी क्योंकि हम थोड़ा आज पहले ही चल रहे हैं, सवेरे खाली हो गया था ना इसलिए। और
बगल का ही माल खा रहा हूँ, दूर का रहा था तो लेट हो जाता है, आते आते 8 बज जाता है, अभी तो बजा है 5 और यहीं पे लगाएंगे गाड़ी घुड़ा के, क्योंकि इधर धूला ज़्यादा उड़ता है और थोड़ा लेट होने में इधर जगह भी नहीं मिलता है, क्योंकि सब ये चाहता है यहीं लगाने के लिए, धूला धूला गर्दा से सब बचना चाहता है। देख रहे पूरा फाँका है सनाता, क्या बात है फंस भी है कहा चक्का राउंड मारने, और उधर से लग नहीं पाया क्योंकि गड्ढा है ना छोटा सा, और स्टेयरिंग पूरा कटने के बाद बैक होने में थोड़ा चक्का राउंड मारने लगता है, और यहाँ से घुरा लेंगे और यहाँ खाली जगह था इसलिए एक बार में घूर पाया, तो आगे पीछे करना पड़ता, और यहाँ लगाएंगे थोड़ा गर्दा कम है यहाँ, और सॉरी इसलिए कि 4 ही बज रहा है अभी, हम ऐसे मतलब कि वो अनुमान लगा के बोले 5 बज रहा होगा पर अभी 4 बज रहा है, और यहाँ पे चक्का राउंड मारने लगा था बैक कर रहे थे यहीं पे, और अपना 9 बजे गेम स्टार्ट हुआ था, 4 बजे गेम ओवर हो गया, अभी से फिर इंतजार करना है सुबह का, सुबह हुआ उसके बाद फिर वही काम है, लोडिंग लोड डीओ लोड करो फिर जाओ, डेली का यही काम है। चलिए कंटिन्यू बने रहिए।